हरे कृष्णा। तो कई बार हमसे लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं और बहुत ही कॉमन सवाल पूछते हैं। हर एक कोई ये जानना चाहता है कि हम अपने मन को, अपने माइंड को कैसे अपने बस में रख सकते हैं। हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड और हाउ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड। इसके साथ ही आज एक और सवाल आ रहा है हमारे मन में, इस सिचुएशन को, इस कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन आया है। तो इस लॉकडाउन में लोग क्या है, कैसे अपने आप को कंट्रोल में रख सके। आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग अक्सर भाग रहे हैं अपनी जिंदगी को संवारने में, अपने करियर को बनाने में बहुत व्यस्त थे, जिनके पास जरा भी टाइम नहीं हुआ करता था, आज उनके पास एकाएक बहुत सारा समय हो गया है। तो ऐसे स्थिति में अपने मन को जो है, अपने मन जो हवा से भी ज्यादा अधिक चंचल है, ऐसे मन को हम अपने बस में कैसे रख सकते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। या ऐसे कहें, यदि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके वश में नहीं है, तो आप अपने मकाम को, अपने लक्ष्य को आप नहीं हासिल कर सकते। तो मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मन को कंट्रोल में रखना हवा या पागल हाथी को कंट्रोल में रखने से भी अधिक कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो आइए आज हम जानते हैं कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। आप इससे पहले भी इस विषय में बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे, बहुत से लेक्चर सुना होगा आपने, लेकिन फिर भी लोग संभल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि खुद से, अपने मन से अपने विचार को रख रहे थे। लेकिन आज जो है, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मैं खुद से आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, तो फिर मैं कहाँ से बता रहा हूँ। आज मैं जो आपको फॉर्मूला दे रहा हूं वह है श्रीमद् भागवत गीता से। कुछ लोग सोचेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता तो एक धार्मिक बुक है। जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे लाइफ का यूजर मैनुअल है। और यकीन मानिए, यदि इस फॉर्मूला को आप अपने जिंदगी में उतारेंगे ना, निश्चित आप अपने मन को अपने वश में रख पाएंगे, अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। और इस कोरोना वायरस में जो तकलीफ हो रही है आपको, इस लॉकडाउन में और तकलीफ नहीं होगी। तो आइए आज हम जानते हैं कि कैसे हम अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में यही प्रश्न अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे इस मन को वश में करना हवा को भी वश में करने से अधिक कठिन लगता है, मैं कैसे इस मन को अपने वश में रख सकता हूं। देखिए, ये मन की स्वाभाविक क्रिया है कि वो चंचल है। मन की स्वाभाविक क्रिया क्या है कि वो चंचल है, हवा से भी तेज इसकी गति है। अभी यहाँ है, अभी इंडिया में है, तो एक ही पल में ये अमेरिका चला जाएगा, दूसरे ही पल में रसिया में चला जाएगा, तीसरे ही पल ये समोसे पे जाके बैठ जाएगा। तो मन की गति हवा से भी ज्यादा तेज और चंचल है। तो हे कृष्ण, इस चंचल मन को कैसे कंट्रोल करें। तो कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में, क्या, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृहेत। क्या कहते हैं, हे कृष्ण, हे महाबाहु, इस असंशयम मनो द्रुणिग्रहम चलम, निसंदेह इस चंचल मन को द्रुणिग्रहम कंट्रोल करना अत्यंत कठिन है। लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय, क्या कह रहे हैं कृष्ण, अभ्यासेन, अभ्यास द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा अभ्यास करना होगा। और क्या चीज की अभ्यास करना पड़ेगा हमें, तो वैराग्य में, वैराग्य के लिए अभ्यास करना है हमें। किस चीज के लिए अभ्यास, तो वैराग्य के लिए। तो हमारे मन में तुरंत प्रश्न आ गया होगा, तो क्या हम अपने घर को छोड़ दें, जंगल में चले जाते हैं, साधु संत बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। भगवान किस चीज से वैराग्य लेने के लिए आपको कह रहे हैं, जो आपके मन को भटका रहा है उससे वैराग्य लीजिए, जो हमें हमारे लक्ष्य में पहुंचने से हमें रोक रहा है उससे वैराग्य लीजिए, जो चीज हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है हमारे गोल से उससे वैराग्य लेना है। कोई मूवी हो, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, सेक्स डिजायर हो, पॉर्न हो, या सोशल मीडिया हो, हमें जो भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उससे वैराग्य का प्रयास करना चाहिए। और तब गृहेत इस मन को जो है वश में किया जा सकता है, निसंदेह इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो प्रयास करें, जो चीज हमारे लक्ष्य में जाने से हमें रोक रहा है उससे
विराग्य का। कहते भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रयास करेंगे, हमारा मन चंचल जो है नहीं होगा। वो बहुत लोभ देगा, बहुत बुलाएगा, बहुत मन करेगा, लेकिन हमने एक बार, दो बार, तीन बार यदि अपने मन को समझा लिया ना, तो फिर ये नहीं मानेगा। लेकिन हमें प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भक्त सवेरे उठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। जब हम सवेरे उठते तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हम ऐसे ही दिन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा मन जो होता है, जब हम स्टार्टिंग में थे तो उस समय हमारा मन बहुत भागता था, और फिर हम क्या करते कि उस मन को खींच कर फिर से उस हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। धीरे धीरे मन खुद ब खुद भागना बंद कर देता है। तो प्रैक्टिस करिए, मंत्रा मेडिटेशन करिए, हरे कृष्ण मंत्र मेडिटेशन से आप जरूर अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। और कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन जो हुआ है ना, इसमें प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से अच्छी चीजें करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपको कितने दिनों के बाद इतना समय मिला हुआ है, 21 दिन का लगातार ना कोई काम है ना कुछ करना है, क्या करें हम इसमें अच्छी चीजें। जैसे कि हमें सवेरे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना, यदि हम किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं तो उसे छोड़ना है, हमें कोई गलत आदत है तो उसे त्यागने का प्रयास कर सकते। इससे क्या होगा, आपको ये 21 दिन कम लगने लगेंगे। हमारा विज्ञान भी कहता है कि यदि हम कोई चीज 21 दिन तक लगातार कर लेते हैं तो फिर हम उस काम पे प्रैक्टिकल हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाता है। सवेरे नहीं उठ सकते, पहले हम सवेरे नहीं उठ सकते थे, क्यों? क्योंकि पहले हम काम होता था हमें, और हम रात को देर से घर पहुंचते थे और रात को देर से सोते थे, तो जल्दी नहीं उठ पाते थे। लेकिन अभी तो कोई नहीं जाना है, कोई काम नहीं है, तो जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए। और 21 दिन तक यदि हम लगातार सवेरे उठ गए तो निश्चित है कि हम सवेरे उठ जाएंगे। अब शराब पी रहे हैं, 21 दिन तक आप शराब से दूर रहिए, क्योंकि हमारे पास फैमिली है, हम उनके साथ अभी समय दे सकते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना है, ऐसे दुर्गति दुर्संगति से बचेंगे हम, खराब संगति से। तो हमें क्या होगा कि हम 21 दिनों में आराम से इस शराब को, इस सिगरेट को हम छोड़ सकते हैं। रूटीन कर लीजिए बिल्कुल अपने लाइफ को, ये गलती फिर से नहीं होगा। यदि 21 दिन आप अपने आप को कंट्रोल कर लिए, पाप फिर से नहीं होगा। लोग डिप्रेशन में आ गए, क्या करेंगे, 21 दिन तो बहुत बहुत दिन है। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत दिन है तो बहुत कुछ करने को भी है आपके। करिए, अपने परिवार को समय दीजिए, बच्चों से बात कीजिए जिनसे आप अभी तक समय नहीं दे पा रहे थे, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। अब चलिए मैं आपको ये जो लॉकडाउन है इसके विषय में एक एग्जाम्पल देते हुए इस दुनिया के सबसे पहले लॉकडाउन में लेके चलता हूं। इस दुनिया में जब सबसे पहले लॉकडाउन हुआ था, उस समय क्या किया था सब लोगों ने, जब कृष्ण ने ग्वालों को, इस दुनिया में सबसे पहला लॉकडाउन कब हुआ था, जब कृष्ण ने ग्वालों को इंद्र की पूजा करने से रोका था, तो इंद्र क्रोधित होकर सानवर तक मेघ बरसाने लगा, जिससे पूरी व्रज में बाढ़ सा माहौल बन गया। उस समय भगवान ने सबों को गोवर्धन पर्वत के नीचे पूरे 7 दिनों तक एक ही स्थान पर रखा। सब लोग लॉकडाउन, कोई बाहर नहीं जा सकता, गिरिराज जी के नीचे बैठे थे। सोचिए अभी तो हम घर में हैं, लेकिन जो बाहर है उनका क्या होता होगा, सोचिए। सब लोग भूखे थे वहां पे, गिरिराज जी के नीचे प्यासे थे, बस वो क्या कर रहे थे, तो कृष्ण को निहार रहे थे, श्री कृष्ण से बातें कर रहे थे, अपने परिवार अपने बच्चों को देख रहे थे, और सबसे बड़ी बात उनके साथ कृष्ण थे। अतः वो अपने जो 7-21 दिन है उसको तुरंत मिटा दिए। तुरंत हमारे मन में प्रश्न होगा कि अभी तो हमारे पास कृष्ण नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता तो है, पढ़िए, कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि कृष्ण का नाम ही कलयुग में कृष्ण है। अपने परिवार, बच्चे, माता पिता सबको समय दीजिए, ऐसा करने से 21 दिन में कम कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं घबराते हुए सरकार को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि वहां पर भी सारे ग्वाल बाल गोवर्धन जी के डंडे से, गोवर्धन जी को डंडे से लगा के रोक के रखे, सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में हमारी सरकार को हमें सपोर्ट करें और अपने आप में अच्छी आदत डालने का प्रयास करें। इतना समय हमें प्राप्त हुआ है तो उसे अपने परिवार के साथ बांटिए, भगवान के साथ बांटिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। हम आगे भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे इतना शेयर कीजिए कि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें और अपने मन को कंट्रोल कर सकें, और इस 21 दिनों में डिप्रेशन को प्राप्त ना होवे, और हमारे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके। हरे कृष्णा।